आजम खान के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, रामपुर पब्लिक स्कूल भवन के एक भाग को कराया, सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी सरकार ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए रामपुर किले के पास सरकारी भवन में चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल के कब्जे से 22 कमरे सहित एक बड़े पोर्शन को खाली कराकर सरकारी यूनानी अस्पताल को सौंप दिया गया। प्रशासन के मुताबिक भवन का ये भाग सरकारी यूनानी अस्पताल का था, जिस पर आजम खान के ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल द्वारा अवैध कब्जा बना लिया गया। प्रशासन की कार्यवाही का विरोध करने पहुंचे आजम समर्थक आरपीएस स्कूल के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठे। पुलिस प्रशासन और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन भारी फोर्स की मौजूदगी में विरोधियों की एक ना चली, पर आखिर प्रशासनिक अधिकारियों ने यूनानी अस्पताल के डॉक्टर को भवन का कब्जा दिला दिया। जैसे 1992 में 6 दिसंबर में कर्फ्यू लगा था उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही आज के दिन कर्फ्यू लगा दिया है, काला दिन बना दिया है। क्या कारण है? उस समय पर जब आचार संहिता लग चुकी है चुनाव समय, क्या कारण है आपको कारण नहीं मालूम है? भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आए जिलाधिकारी, आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले जिलाधिकारी, गंगा अधिकारी, झगड़ा अधिकारी, शहर को हाथ तोड़ दिया, लफ्ज उर्दू से नफरत इसलिए उर्दू गेट को तोड़ दिया, आज मासूम बच्चों के स्कूलों को बंद कराने आए। आचार संहिता लग चुकी है, बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा बताने के लिए काम कर रहे हैं जिलाधिकारी। चुनाव आयोग कहाँ बैठा हुआ है? आजम खान साहब के जो सच बात कही थी उस पर तो उन्होंने बैन कर दिया था, अभी तक जिलाधिकारी को यहाँ से क्यों नहीं हटाया गया? चरण करने के लिए पूरी बर्बाद कर देंगे शहर को, आग में झोंक देंगे शहर को, पूरी कार्रवाई करा देंगे शहर के लिए करी जा रही जी, पूरी कार्रवाई भाजपा को जिताने के लिए करी जा रही। आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है, दिख नहीं रहा है? बताइए, पत्रकारिता करिए आप लोग, सच्चाई बताइए किसके लिए की जा रही है? 4 दिन बाद चुनाव है, चुनाव के बाद इस तरह की कार्रवाई का क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि जैसे कि सुभाष टांडा को संवेदनशील घोषित कर दिया, रामपुर को संवेदनशील घोषित कर दिया, मुसलमान वोट डालने के लिए निकले। अरे आजम खान साहब तो कई बार से कह रहे हैं मुसलमानों का वोट का अधिकार ही खत्म कर दो, क्या करें? लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्या करें? कहा था अब्दुल्ला आजम खान साहब ने, एक ही रास्ता बचाया हम लोगों के पास, या तो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए या सब लोग हिंदू बन जाए, ये रास्ता बचाया हमारे पास। सब आज ये रामपुर पब्लिक स्कूल की किड जोन शाखा पर जिला प्रशासन ने छापा मारा है, क्या है पूरा मामला? ये नहीं नहीं यूनानी हॉस्पिटल का मामला है, यूनानी हॉस्पिटल के जो कमरे थे 22, वो हमारे यूनानी डॉक्टर साहब, उनको दिया जाना था, उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको कब्जा करा दिया गया है। क्या इसमें रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा था क्या? ये कमरे उन्हीं के कब्जे में थे, उनसे खाली करा करके। किसके कब्जे में थे? इसी रामपुर पब्लिक स्कूल के कब्जे। कितने कमरे खाली कराए गए? 22 कमरे पूरा खाली करा दिया गया। हाँ, वो जो यूनानी हॉस्पिटल का था उसको खाली करा दिया। अच्छा, रामपुर पब्लिक स्कूल उसमें चलेगा क्या? वो जो लीज का उनका है अलग है। इसके इस बिल्डिंग के अंदर रामपुर पब्लिक स्कूल का भी कुछ पोर्शन है क्या? जी जी, जितना उनका पोर्शन लीज का है उसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। अच्छा, तो ये पूरा कब्जे में था रामपुर पब्लिक स्कूल? नहीं, केवल यूनानी हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने। सर, ये इमारत किसकी है? यूनानी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जो यूनानी हॉस्पिटल की है उसको खाली करा के डॉक्टर साहब जो है यूनानी हॉस्पिटल उनको दे दिया गया।